सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु। एक बात बता देता हूँ, कोई भी वीडियो को ऐसे मत जज करना, मतलब कि ऐसे क्या कट टॉप बताने वाले हो। वीडियो का टॉपिक है एक्सपेक्टेड कट टॉप, जो आपका 30 अप्रैल को आ रहा है। वीडियो पे डाटा आपको एग्जैक्ट मिलेगा, जेन्युइन मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा, आपका कब से कहाँ कैसा कितना सब कुछ, ठीक है। आप वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद अपने व्यूज़ बताना। अगर कुछ गलत हो तो बताना, अगर कुछ सही हो तो बताना। लाइक डिसलाइक का मुझे नहीं पता, बट हाँ अगर आपको सही लगे तो डेफिनेटली एक कॉमेंट करके बताना। चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और डिस्कस करते हैं कि कैसा क्या कहाँ कहाँ रहा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो होने वाला है। थोड़ा उन सभी भाइयों से सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई नहीं, चलता है और बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं। सो देखो, मैं एक बात यहाँ पे पहले बता देता हूँ आपको। एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप इनटेक 01/2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट बता दूँ तो 10 से 12 पेजेस में है, तो सारा का सारा एनालिसिस करेंगे। ऑलमोस्ट जो वोटिंग हुआ सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। PSL डेट 30 अप्रैल है और एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ वीडियो होने वाला है, तो इसी के बारे में फुल यहाँ पे वीडियो पे डिस्कस करने वाले। स्टार्ट करते हैं। वैसे ये PDF फॉर्मेट में है, हो सकेगा तो मैं करूँगा, कोई ज़रूरी भी नहीं है। बिकॉज मैं कर दूंगा तो फिर अदर्स भी इसका यूज करेंगे, तो इस वजह से मैं नहीं करने वाला। फॉर PDF ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। चलो चलते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, दिस इज एक्सपेक्टेड। ओके, इट मीन्स गाइज एक्सपेक्टेड है, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल सही हो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैंने अपना सही बिल्कुल डाटा निकाला है और फिर जाके आप तक पहुँचाऊँ, तो एक्सपेक्टेड है। मे बी अगर बाई मिस्टेक रॉन्ग हो जाए तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रिजल्ट डे, हम रिजल्ट डे से स्टार्ट करते हैं कि किसके लिए कितना कितना कैसा क्या रहा। तो रिजल्ट क्लियर, अगर टोटल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो कितने कैंडिडेट ने क्लियर किया था, 17,000। ओके, नेक्स्ट ओनली एक्स ग्रुप के कैंडिडेट की तो 8,500, वाई ग्रुप के कैंडिडेट 7,200 और बोथ एक्स वाई ग्रुप के कैंडिडेट 1,600। ओके, मैंने यहाँ पे प्लस प्लस वाले ले लिए, ठीक है, मतलब लिख दिए मैंने एग्जैक्ट डाटा जो राइट राइट है, बट मैंने बोल वैसे दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्यों वाई ग्रुप में एक बात मैं और बता दूं यहाँ पे, अगर आप में से किसी को ना पता हो, तो इस बार जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसमें लिखा हुआ है कि आपका मेडिकल असिस्टेंट और जो मेडिकल पुलिस वुलिस वाले जो होती हैं लगभग 50-60, कभी लास्ट टाइम 97 था, मतलब कि अलग जो पोस्टें हो जाती हैं ना मेडिकल असिस्टेंट वालों का या पुलिस वालों को, वाई ग्रुप वाली लिस्ट में इंक्लूड होकर आने की इस बार चांसेस है, उन्होंने लिख रखा है। जो आपका इससे पहले अपडेट आया था उसमें उन्होंने बताया था। अभी कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो एक्स ग्रुप कट ऑफ 43 नंबर गया है, वाई ग्रुप का कट ऑफ 29.25 नंबर गया है। ये इनिशियल कट ऑफ आपका गया है। फिर सेकेंड टाइम के बाद आते हैं, ये तो भैया रिजल्ट हो गया और कितने कैंडिडेट पास आउट हुए उसकी बात हो गई। अब आ जाते हैं फेज सेकेंड पे, टोटल कैंडिडेट फेज सेकेंड क्लियर कैंडिडेट इन परसेंटेज पे मैं बात कर लेता हूँ, तो कितने कैंडिडेट ने क्लियर किया, तो 60% क्लियर, 40% फेल आउट ऑफ 100%, मीन्स 100% पे 60 और 40 का रेशियो रहा। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा, भाई ये कैसे बोल सकते हो, तो देखो मैंने रिव्यूज़ दिए हैं भाई, ठीक है, मैंने रिव्यूज़ दिए हैं बहुत। आई नो दैट इन अ डे आउट ऑफ 100 कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम बिहटा सेंटर, बिहटा मतलब मैंने एक दिन बिहटा सेंटर का भी रिव्यू ऐसा दिया था, एक दिन नहीं, बिहटा सेंटर का हमेशा पॉजिटिव रिव्यू आया है। जब लगभग 220-230 का रिपोर्टिंग होता था, 170-180 कैंडिडेट, मतलब 180-185 मैक्स कैंडिडेट एक दिन में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, फेस सेकेंड क्लियर करके। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पे डेली सेंटर का भी रिव्यू दिया है, जहाँ पे पता लगा कि 250 में से केवल 60 से 70 कैंडिडेट ही आपको, जिनको मेडिकल का डेट मिला है, मतलब कि बाकी सभी के सभी आउट हो गए, ठीक है, ये आपका फेस सेकेंड का है। एक बात और बता देता हूँ, प्रीवियस टाइम में अगर जो भी प्रीवियस टाइम का देख रहा हो, तो वो रैली वालों को मत काउंट करना, रैली वालों को मत काउंट करना, आई मीन कि रैली का कट ऑफ उठा के आप देखने लगना, क्योंकि है क्या, रैली वाले से उन्हें एक बैच को फिल करना था और उसमें हुआ क्या है कि भाई जिनका हाई परसेंटेज था उनको ले लिया गया है, बस पेपर तो मान लो एक फॉर्मेलिटी थी। बिकॉज अगर आपका 90% फ्रॉम राजस्थान बोर्ड है, 95% राजस्थान बोर्ड है या यूपी बोर्ड है या हरियाणा बोर्ड है, तो भाई उन्हीं कैंडिडेट को उन्होंने लिया और कट ऑफ उनका 27 नंबर गया था, तो उनका बात नहीं करो तो बेटर होगा। आपको अगर एग्जैक्ट डाटा मिलाना ही है ना, तो भाई उससे पहले जितने बैचेस हुए उनका देखना जाके, ठीक है ना, तो रैली का मत देखना। आगे बढ़ते हैं आगे। अब नाउ टोटल का 60%, इट मीन्स 17,323 का जो इतने कैंडिडेट थे, इसका अगर मैं 60% निकाल दूंगा, ये सेफ वाले हैं भाई, 40% तो आउट हो गए, तो 40% को तो अपने को काउंट नहीं करना, मतलब 17,323 में से 10,200 कैंडिडेट बचे एग्जैक्ट। ओके, अब इतने में से जाके काउंट, अगर आपको 17,323 में फेल वाले निकालने हैं, तो भाई इतने में से जाके सब्सट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो, इट मींस आफ्टर फेस सेकेंड एग्जाम ऑलमोस्ट 10 के कैंडिडेट लेफ्ट, 10 के मींस भाई 10,000 कैंडिडेट बचे। ओके, नेक्स्ट
अब नेक्स्ट कितने कैंडिडेट बचे, तो 10,000 बचे भाई, कितना 17,000 में से 10,000 बचे। अब एक्स ग्रुप के टोटल कैंडिडेट कितने बचे, एक्स ग्रुप के टोटल कैंडिडेट वो आपके बचे जाके 5,000, वाई ग्रुप के 4,000 और एक्स वाई ग्रुप के टोटल कैंडिडेट 1,000। अब ये मैंने एक्सपेक्टेड लिया, ओके ये मैंने एक्सपेक्टेड लिया कि भाई एवरेज इतना मैंने मान लिया कि एक्स वाई ग्रुप के 1,000, वाई ग्रुप के 4,000 और एक्स ग्रुप के 5,000। ओके यहाँ पे आपको ये लगा कि भाई वाई ग्रुप के कुछ ज़्यादा नहीं ले लिए, वाई ग्रुप के ज़्यादा इस वजह से लिए क्योंकि थोड़ा मेडिकल असिस्टेंट और ये पुलिस वुलिस के बारे मैंने ऐसा कुछ कर लिया। आगे बढ़ते हैं, एक ये थोड़ा सा नोट टाइप में मैंने लगा दिया, लास्ट टाइम का मैं बोलूँ तो लास्ट बेस्ट टोटल फाइनल आउट कैंडिडेट ऑलमोस्ट 1,000 थे, बट ये मुझे यूजलेस लगा, बट मैंने कहा चलो ऐड कर देते हैं, ठीक है तो ये किसी इसे आप इग्नोर मार दो। एक्सपेक्टेड वैकेंसी, अब भाई बात आती है कि कितनी वैकेंसी रहेगी ऑलमोस्ट, ठीक है तो यहाँ पे 45,000 हो गया उसके लिए, सॉरी यार 4,500, ओके टाइपिंग मिस्टेक हुआ, काफ़ी टाइम इसे लगा है टाइपिंग वाइपिंग करने में। तो एक्सपेक्टेड वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 4,500, ठीक है बोथ वाले इंक्लूडेड इन एक्स वाई ग्रुप, मतलब कि मैंने मेरा कहने का मतलब भाई 4,500 इस बार वैकेंसी। अब कहोगे भाई इतनी वैकेंसी कैसे रह सकती है, मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ, देखो भाई अगर कोविड का सीन रहा ना, कोविड बढ़ता रहा तो मे बी आप सभी के सभी सेलेक्ट हो जाओगे, बिकॉज लास्ट टाइम वाले कैंडिडेट का क्या हुआ है, जिनका मतलब वाई ग्रुप में जो आउट हो गए थे पीएसएल, सब के सब तो चले गए रैली वाली में, लेकिन कोविड के चक्कर में तो पढ़ना नहीं है अभी, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 4,500 वैकेंसी रहेगा आपका, जिसमें एक्स वाई वाले भी कैंडिडेट रहेंगे, एक्स वाले भी कैंडिडेट रहेंगे और वाई वाले भी कैंडिडेट रहेंगे। ओके आगे बढ़ते हैं, अब देखो भाई यहाँ पे मैंने नाउ एक्स ग्रुप वैकेंसी, अब 4,500 को मैंने यहाँ पे कुछ डिवाइड कर दिया, एक्स ग्रुप की वैकेंसी जिसमें से मैंने बना दी 3,000 और वाई ग्रुप की वैकेंसी मैंने बना दी 1,500, ठीक है 4,500 को। अब भाई यहाँ पे मैंने कुछ एक्स वाई वाले जो कैंडिडेट थे ना ऊपर, उनको दोनों में कुछ ना कुछ शामिल कर दिया, वाई ग्रुप में 1,500 कैंडिडेट को रखा है, जिसमें थोड़ा सा मैं बता दूँ 1,200-1,300 आपका वैसे सेलेक्ट हो जाते हैं एयरमैन, 200-300 आपका ये हो जाएंगे, तो मतलब 1,500-1,600 मान सकते हो आपका, ठीक है एक्स ग्रुप में इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, वाई ग्रुप में 1,500 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है मतलब 1,600-1,700 जा सकता है भाई, इतना हो सकता है। ओके टोटल एक्स वाई ग्रुप कैंडिडेट की बात करो तो 4,500, नेक्स्ट अगर चलते हैं 5,500 आउट करने, मतलब 5,500 अभी कैंडिडेट, भाई अब अपने पास कितने थे 10,000 कैंडिडेट थे ना टोटल, 10,000 कैंडिडेट थे फेस सेकंड क्लियर करने के बाद, जिसमें हमें आउट कितने करने, 5,500 कैंडिडेट को आउट करना है, तो चलो चलते हैं फाइनल में। अब 10,000 फाइनल के लिए, तो फर्स्ट 1,000 कैंडिडेट आउट, देन 9,000 लेफ्ट हाउ, अब इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 में मैंने 1,000 कैंडिडेट को आउट कर दिया, बोलोगे कैसे भाई ऐसे ही आउट कर दिया, देन हाउ मतलब 9,000 कैंडिडेट बच्चे वो कैसे, तो चलो इस पर भी बात कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ पहला नंबर नेवी ज्वाइनिंग, 300 से 400 कैंडिडेट, लॉजिक में बताऊँ आई टेल यू एग्जांपल, एक अपना निर्मल भाई था उत्तराखंड का, ये मुझे दा बोला करता था, बहुत बढ़िया बंदा था, ठीक है आप ही में से बहुत लोग एक जब बोलते हैं उत्तराखंड के लोग भाई को दा बोलते हैं, ठीक है तो वैसा सुथरा था भाई का, मैंने चैनल पे इंटरव्यू भी डाला था, इंटरव्यू वीडियो 60 नंबर थे, निर्मल के 54 नंबर थे, इस बार के एयरफोर्स में सुथरा के 60 नंबर थे, अभिषेक के 61 नंबर थे, शुभम के आपके 58 नंबर थे, ठीक है मतलब भाई ये जितने के जितने, मतलब इन चारों पांचों को मैं अच्छे से जानता तो बहुत लोगों को हूँ, लेकिन इनके नंबर अच्छे खासे थे, तो इस वजह से मुझे इनका बारे में कुछ ज़्यादा ही पता था, स्पेशली निर्मल एंड सुथरा, ठीक है तो मतलब ये कहाँ चले गए, ज्वाइनिंग में चले गए। नेवी ने कितने कैंडिडेट को ज्वाइनिंग पे बुलाया था, 2,800, मैं एवरेज कहता हूँ 3,000 लोगों को बुलाया था भाई, जो नेवी का रिटर्न निकाल सकते हैं उनके लिए एयरफोर्स तो ईजी ही था ना, और एयरफोर्स का एज क्राइटेरिया भी ज़्यादा होता है, तो मेरी जानकारी में 7-8 कैंडिडेट मैंने 300 से 400 कैंडिडेट जो एयरफोर्स निकाले होंगे, वो तो जब नेवी निकाल सकता है तो भाई एयरफोर्स तो उनके लिए इजी। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नाम भी लिखे हैं ये, कि भाई ये अच्छे अच्छे मतलब जो नेवी क्लियर कर सकते हैं, मतलब ये नेवी वाले थे, ठीक है नेवी का रिटर्न हार्ड आता है क्योंकि उसमें रिटर्न ही सब कुछ होता है, तो ये कैंडिडेट स्पेशली इनकी तरह और भी बहुत होंगे जिन्होंने निकाला होगा एग्जाम और नेवी को प्रिफर किया होगा, बिकॉज गाइज आप सभी को पता है, और भाई डबल ए की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, डबल ए तो अलग ही हो जाता है भाई, क्योंकि मैंने क्या बोला, सभी को ये पता था कि भाई हम एयरफोर्स का फाइनल का वेट नहीं कर सकते, ठीक है अभिषेक का था काफ़ी अच्छा खासा नंबर, 60 नंबर तक था, फिर भी भाई SSR पे चला गया क्योंकि एक नंबर से रुक गया था, ठीक है तो ऐसा कुछ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब मतलब 300 से 400 कैंडिडेट ही मैंने लिए, लॉजिकली भाई 500 तक बोल सकता हूँ क्योंकि 3,000 में तो ऐसे होंगे ही 500, चलो हटाओ, ठीक है आगे बढ़ते हैं। रैली ज्वाइनिंग की बात कर लेते हैं, अब रैली ज्वाइनिंग में भी मेरी मतलब जानकारी में ऐसे लड़के थे, एक यूट्यूब पे चैनल था माई लाइफ करके, ठीक है माई एयरफोर्स लाइफ या
माई लाइफ यूट्यूब चैनल था, मैं भाई से दिल्ली पे मिला था, ठीक है, उसका रैली पे फाइनल सेलेक्शन हो गया। एक गजेंद्र करके भाई था, ठीक है, गजेंद्र करके भाई था, उसका 58 नंबर था इस बार, वो भी यूट्यूबर था, वो भी चला गया। एक माई लाइफ करके एक यूट्यूबर था, वो भी चला गया, ठीक है। मतलब इनको मैं जानता था, इस वजह से अबिलव था, शुभम था, ये सारे के सारे 48 प्लस नंबर वाले थे, ये रैली में चले गए। जो रैली भर्ती आई, इन्होंने इस इनटेक में भी रिटर्न निकाला था भाई, लेकिन ये रैली में चले गए। तो मैंने यहाँ पे एवरेज 350 से भाई वैकेंसी रैली में कितना फिल किया गया टोटल आपको पता है ना, 35 ऑलमोस्ट भर्ती कर ली ना उन्होंने रैलियाँ करा के। तो भाई रैली में जितने सब कुछ क्लियर किया सबको ले लिया गया। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट मैं 500 यहाँ पे लेता हूँ, 500 यहाँ पे लेता हूँ, मैंने इस वजह से आपके 1000 कैंडिडेट को आउट किया है। ओके, अभी नेक्स्ट की बारी आती है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेडिकल एंड रीमेडिकल आउट कैंडिडेट ऑलमोस्ट 2500। अब बोलोगे भाई ये तो आपने बिना लॉजिक के पहले ही बता दिया कि आपने सीधा 2500 कैंडिडेट आउट कर दिए मेडिकल एंड रीमेडिकल में। आपके दिमाग में ये आया कि भैया कैसे, तो चलो 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 मैं बताता हूँ। वेट भाई, आगे बढ़ते हैं। आउट इन एक्स ग्रुप 2500 में मैंने 1500 कैंडिडेट को एक्स ग्रुप में आउट किया, 1000 कैंडिडेट को वाई ग्रुप में आउट किया। टोटल कैंडिडेट 9000 में से 2500 आउट हुए, तो कितने बचे, 6500। कितने कैंडिडेट बचे, 6500 कैंडिडेट बचे आपके टोटल। अब 2500 कैंडिडेट कैसे आउट हुए, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। मैंने मेडिकल रिव्यू दिए चैनल पे, जिसमें हुआ क्या कि दिल्ली सेंटर में एक दिन ऐसा भी था जब 3 ग्रीन कार्ड मिले थे 45 कैंडिडेट और 42 को रेड कार्ड मिले थे। कानपुर सेंटर में ऑलमोस्ट 60% कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए और टोटल 16 एसएमसीज में आपका मेडिकल चला, मेडिकल एंड रीमेडिकल एग्जाम, एससी एंड फिर एसएमसी, मतलब मेडिकल एंड रीमेडिकल एग्जाम में जाके मैंने आपका 9000 में से 2500 कैंडिडेट को आउट किया। और भाई इतने बनते हैं जाके, क्यों बनते हैं, लॉजिक यहीं पे आके देख सकते हो भाई। जब 3 ग्रीन कार्ड मिले, मैं कहता हूँ रीमेडिकल कितना भी अच्छा हुआ हो, किसी भी का भी कितना भी अच्छा हुआ हो भाई, जब 42 कैंडिडेट हैं, 42 में मैं कहता हूँ जब पहली बार तो फंसे हो ना, तो भाई बहुत ऐसे पॉइंट होते हैं जो रीमेडिकल में क्लियर होते हैं, लेकिन आपका आइज में पॉइंट है, क्या कवर कर लोगे 10-15 दिन। मैंने यार 3-4 बार में बहुत बार वहीं पे गए हूँ, आइज पे कुछ नहीं हुआ, 10-15 दिन में बोल रहा है कि जाओ सही करके आओ, कुछ नहीं होता इन पॉइंट्स में। ईसीजी आपका फंसा है ना, तो ईसीजी आपका क्लियर हो सकता है, स्वीट आपका क्लियर हो सकता है, ऑपरेशन वाले भी बहुत कम ऐसे पॉइंट होते हैं जो क्लियर होते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि भाई 42 कैंडिडेट में 10-12 तो ऐसे होंगे ही डेली, और डेली सेंटर का मैं यही हाल रहा है, डेली सेंटर का, डेली का तो नहीं, 25 भी सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन स्टार्टिंग के शुरू के डेज में ऐसा ही हुआ है मेडिकल एंड रीमेडिकल, ठीक है। तो हर एक सेंटर का ये ऑलमोस्ट मैं बता दूं, तो वैसे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 30% भी नहीं, 25% ऑलमोस्ट, मतलब कि 2500 कैंडिडेट को यहाँ पे मेडिकल एंड रीमेडिकल एग्जाम में आउट किया गया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इट मीन्स मेडिकल एग्जाम मॉडरेट टू हार्ड, और मेडिकल एग्जाम ईडी भी ईजी भी नहीं हुआ, और मेडिकल एग्जाम ही होता है, मेडिकल एग्जाम ही होता है, ये नहीं कि भाई मेडिकल एग्जाम नहीं है, हम भाई प्रिपरेशन नहीं करते मेडिकल की, जबकि हमें करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए। ऐसा मुझसे सर भी बोल चुके हैं वहाँ पे कि एक बार ब्रीफिंग कर रहे थे सर, उन्होंने बताया कि आप सभी प्रिपरेशन करते हो जितना अपने पेपर की, उससे ज़्यादा आप मेडिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करते, जबकि मेडिकल भी एक एग्ज़ाम होता है जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये लॉजिकलेस था, मैंने कहा ये हम कैसे बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड, बट चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नाउ टोटल कैंडिडेट लेफ्ट 6500 बचे थे, जिसमें एक्स ग्रुप के कैंडिडेट 4000, वाई ग्रुप के कैंडिडेट 2500। नाउ 2000 कैंडिडेट आउट करने, अब भाई 4500 वैकेंसी मैंने बोला था ना आपसे एक्सपेक्टेड, जिसमें से हमें 2000 कैंडिडेट आउट करने हैं 6500 में से, तो हम कैसे आउट करेंगे। इट मीन्स एज पर आवर डाटा 100 कैंडिडेट आउट इन एक्स ग्रुप, 100 इन वाई ग्रुप, बोथ ग्रुप आल्सो इंक्लूडेड हियर। इट मीन्स गाइज भाई हमें 1000 कैंडिडेट एक्स में आउट करने हैं, 1000 कैंडिडेट वाई में आउट करने हैं। अब मैं यहाँ पे अब आपके दिमाग में बता दूँ, 1000 की जगह 1200 कर सकते हो एक्स में, और वाई में 800 कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखी है ना, बोथ ग्रुप वालों को भी यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया, इस वजह से मैंने दोनों के लाइक मॉडरेट कर दिया कि 1000 कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अपने टेलीग्राम वाले पोल की बात कर लेते हैं। एक्स वाई ग्रुप के लिए जो पोल हुआ था ऑनलाइन एजुकेशन अपने टेलीग्राम चैनल का नेम है, आप में से जो भी नहीं हो वहाँ पे सर्च करना ऑनलाइन एजुकेशन और ज्वाइन हो जाना। एक्स ग्रुप का मैं बताऊं तो 45 नंबर तक 46%, मतलब भाई 43 से लेके 45 नंबर तक 46% ने वोट किया था, लेकिन मैं बताऊं वोट कितने हुए, 4500 वोट हुए। लेकिन भाई मुझे लगता है कम से कम 4500 में 500 से 1000 के 500 to 1000 इसमें फेक वोट होंगे, पक्की बात है, क्योंकि टेलीग्राम में होता है लोगों को चुलबुली रहती है वो क्लिक करने का,
ठीक है, तो मैं कहता हूँ फिर भी चलो हटाओ वो गलत का हटा देते, 4500 कैंडिडेट में पूरे लेता हूँ और 46% कैंडिडेट आ गए थे आपके 45 नंबर तक, मतलब कि 45.525 पे आपका कैंडिडेट कितने बन गए, पूरे के पूरे 50%। आगे वाई ग्रुप की बात करते हैं, ये मैं दिखाता हूँ अभी, अपना पोल भी दिखाऊंगा। वाई ग्रुप का 33 नंबर तक आपका 50%, मतलब 29 से लेके 33 नंबर तक पहुँच गया। एक बात और बताऊँ वाई ग्रुप वालों का, भाई एक हमेशा लॉजिक रहा है कि 3 नंबर से ज़्यादा कभी कट ऑफ नहीं पड़ा, लेकिन इस बार मुझे लगता है, चलो आगे देखते हैं, अभी डरना नहीं यार, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है। वाई ग्रुप 33 नंबर तक 50% आउट ऑफ 2500, मतलब ये टोटल पोलिंग का दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये अपना ऑनलाइन एजुकेशन मतलब टेलीग्राम चैनल है, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, ऑनलाइन एजुकेशन सर्च करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए गोरखपुर का मैं एक री मेडिकल का रिव्यू पढ़ा है, उस पर तो मैं दिखाता हूँ। रिपोर्टिंग 42 का था और ग्रीन कार्ड 18 को मिला, रेड कार्ड 24 को मिला, और 23rd फेब का यहाँ पे आपको बता दूँ, ये 22 का था, ये 23rd का था। ग्रीन कार्ड 20 को मिला और रेड कार्ड 23 को मिला। भाई रेड कार्ड मैं कहता हूँ ग्रीन कार्ड वालों को तो हटा दो भाई, ठीक है। अब रेड कार्ड 23 आ गए, 23 में कहता हूँ भाई कितने फिट हो जाएंगे, 10 फिट हो जाओगे? 23 का मैं कहता हूँ मैं जाके इसका 25% निकाल देता हूँ, फिर भी तो 5% 5 कैंडिडेट आ जाते हैं ना, तो ऐसा ही हुआ है, तभी जाके मैंने 2500 बनाए हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, तो अब आ जाते हैं टोटल पोल्स की ओर। नहीं किया तो प्लीज़ वोट ना करें। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए जो वोटिंग हुई थी वो ये है, 43 to 43.75 में इतने कैंडिडेट हैं और 43.75 से इतने कैंडिडेट हैं, 45 to 46.25 में इतने जाके कैंडिडेट, आपका टोटल 4466 वोट हुए थे, मैंने 4500 ले लिया आपका। ओके 30% कैंडिडेट ऐसे थे जो 49 पर मतलब कि नंबर से ज़्यादा वाले भी हैं। आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, ये वाई ग्रुप का बात कर लेता हूँ, तो वाई ग्रुप में 2500 वोट हुए, 2515 जिसमें 29.25 से लेके 33 मतलब नंबर तक 14%, 31.75 तक 17% और 32 to 33% तक 20%। सो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। तो हाँ, अगर आपका कोई पर्सनल डाउट हो ना भाई, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, चौहानंसू29 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैं रिप्लाई करूँगा। लेट हो सकता है क्योंकि मैं हमेशा नहीं एक्टिव रहता, मैं पढ़ाई भी अपनी करता हूँ, ठीक है। तो चौहानंसू29 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आगे बढ़ते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब फाइनल कट ऑफ की मेन बात पे आ जाते हैं। अच्छा, इससे डिस्कस करने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ, फाइनल पे इससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने वो सारी की सारी चीज़ें खुद देखी हैं। जब आपका कट ऑफ एक बार इनिशियल 27 नंबर गया था, लेकिन फाइनल कट ऑफ उसका 34 नंबर गया था, ठीक है, तो ये 6-7 नंबर बढ़ा था, मैंने वो चीज़ भी देखा। जब 36 भाई मेरा नहीं, मेडिकल एग्ज़ाम की वजह से नहीं हुआ, नहीं तो यार कब का मैं भी ज्वाइनिंग कर चुका होता, ठीक है। तो 27 से 34 नंबर तक भी कट ऑफ गया है, अगर मैं बढ़ाऊँ तो 6-7 नंबर 36 से 38.50 गया, क्योंकि पहले से कट ऑफ इंक्रीज था, तभी मैंने इस बार पहले से जब बढ़ जाता है तो फिर फाइनल पे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं रहते। और मैं एक बात और बताता हूँ कि मेरा जो अभी बताने वाला हूँ ये मेरा फाइनल है, मतलब आपको इनरोलमेंट में भी सेफ रखेगा, ये इनरोलमेंट मान लो चाहे PSL मान लो, क्योंकि एक ही जगह आपका कट ऑफ बढ़ेगा, या तो PSL बढ़ा देगा या तो आपका इनरोलमेंट बढ़ा देगा। ओके अब नाउ फाइनल एक्स ग्रुप में मैक्स 2.25 to 2.75 नंबर तक, मिस 9 to 10 पार्ट में। ये बोलोगे 9 to 10 पार्ट में, इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं बता दूं कि 2.25 जो इनिशियल कट ऑफ गया है उससे इतने नंबर तक जो इतने तक हैं वो खतरे पे है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब खतरे में क्या, इतने तक बढ़ सकता है कट ऑफ इनिशियल से 43 से। इट मीन्स कि एक्स ग्रुप फाइनल कट ऑफ सेफ नंबर 45.50 to 46 नंबर सेफ। अब आपका 46 प्लस है भाई मेरे अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सेफ, लेकिन मैं 45.50 वाले को भी बिल्कुल सेफ कैटेगरी पे रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इतना। अब यहाँ पे मैं बोलूँ 9 to 10 पार्ट में बता देता हूँ, मुझे आउट कितने कैंडिडेट करने थे, 1000 कैंडिडेट एक्स ग्रुप में आउट करने हैं ना फाइनल मेरिट में, तो कैसे आउट करोगे, तो देखो भाई यहाँ पे 43 के बाद आपका 43 नंबर वाला होगा कैंडिडेट, फिर 43.25 वाला होगा, फिर 43.50 वाला होगा, फिर 43.575 वाला होगा, चार ये हुए ऐसे ही 44, फिर 44.25, 44.50, 44.75, 40 और उसके बाद 45, ऐसे जाके 9 to 10 पार्ट में। मतलब मैं कहता हूँ कि 2.25 से 2.75 नंबर तक जाने में कम से कम 1000, मतलब कि भाई 9-10 पार्ट में 1000 कैंडिडेट अपने को मिल जाएंगे,
सो मेरे कहने का मतलब इट मीन्स एक्स ग्रुप का फाइनल कट ऑफ स्कोर जो सेफ है वो 45.50 टू 46.00 सेफ। आगे बढ़ते हैं, अब वाई ग्रुप की बात कर लेते हैं। वाई ग्रुप मैक्स इवर, मैं बता दूं वाई ग्रुप पे ये लॉजिक रहा है, 3 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ा, बट इन दिस टाइम फाइनल कट ऑफ सेफ नंबर 32.25 टू 33 नंबर सेफ होगा मेरे अकॉर्डिंग वाई ग्रुप। अब जिसका 33 नंबर है वो मुझे गलत बोलने वाला है, तो भाई बोलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये मेरा एक मेरा प्रेडिक्शन है भाई। आपका हो जाए, आपका 29 नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आप देख लो आप कहीं कहाँ कैंडिडेट को आउट करोगे वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन ये मेरा फाइनल है कि 32.25 टू 33 नंबर सेफ। ओके, आगे वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दोस्त, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो गाइज ये था 40 मतलब एक्स ग्रुप वालों के लिए इतने नंबर, वाई ग्रुप वालों के लिए इतने नंबर। बाकी यहाँ पे मैं आप जो मतलब मैंने खुद अपनी हैंड राइटिंग में काफ़ी एनालिसिस वगैरह किया था तो वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये मेरा पर्सनल व्यूज़ थे, जो आपको जैसे भी लगे वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अच्छे लगे हो तो ठीक है, नहीं अच्छे लगे तो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन बाकी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक इट Hit the like button and subscribe my channel. Take care everyone. Jai Hind and all the best.